हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण ये हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है रीजनिंग के अंदर। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रमुख वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए, घन संख्या, ठीक है। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग, ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखा था पार्ट 1, ठीक है, उसमें अच्छे से आपको बताया सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आप जो है बेसिक वीडियो इसका पार्ट 1 जरूर देखें, तभी इस ये प्रश्नावली आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों, इसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 जरूर देखें। और पार्ट 3 इसका कल आएगा और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं श्रृंखला परीक्षण, इसको आज स्टार्ट किया है। बेसिक बातें पार्ट 1 के अंदर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण में देखो, आज जो वैसे श्रृंखला परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है, अंग श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों अंग श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में? अंग श्रृंखला के बारे में। और अंग श्रृंखला में भी दोस्तों प्रमुख जैसे 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अंग श्रृंखला में। जैसे सबसे पहले योग का नियम लगेगा, फिर जो है घटाव का नियम लगेगा, फिर योग वे घटाव का मिश्रित नियम लगेगा, फिर जो है वर्ग का नियम लगेगा, फिर घन का नियम लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग नियम है, गुणा का नियम, सभी अच्छे से आपको कवर यानी करके बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। और ज़बरदस्त तैयारी हमारी चल रही है, तो सभी दोस्त हमारे इसी तरीके से जो है वो जुड़ते रहे लाइव क्लास के अंदर। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है 8:30 बजे वो लाइव क्लास होगी, ठीक है। और वैसे क्लासेस जो है वो टाइम टाइम पर आ रही हैं, इंग्लिश को छोड़ के बाकी क्लासेस चल रही है। तो एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो फिर इंग्लिश की भी व्यवस्था कर लेंगे। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करें। तो देखो, ये आपके सामने जो टाइप 1 है, ये टाइप 1, इसमें जो है ये कौन सा नियम है? ये योग का नियम है दोस्तों, योग का नियम है दोस्तों। इस नियम में क्या होता है, योग के नियम में इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, अंकों को यानी जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से आएगा हमारे पास टाइप 2, इसमें ये जो है दोस्तों ये घटाव का नियम है। कौन सा नियम है? घटाव का नियम है दोस्तों, घटाव का नियम। और तीसरा प्रमुख हमारा जो टाइप 3 आएगा उसमें देखते हैं, तो ये जो है ये आएगा आपके दोस्तों यानी कि वर्ग का नियम। किसका नियम? ये किसका नियम है? देखो, मिश्रित नियम है दोस्तों, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित नियम यानी जोड़ व घटाव का मिश्रित नियम है, जोड़ व घटाव का मिश्रित नियम। इसी प्रकार से ये है वर्ग का नियम, तो ठीक है, वर्ग का नियम ये है, वर्ग का नियम है। इसके अलावा ये बात करते हैं तो ये घन का नियम है दोस्तों, टाइप 5 के अंदर आप लिख सकते हैं घन का नियम है, घन का नियम। और इसी में देखो, ये जो आपको नजर आ रहे, चलो आप इसको लगा लीजिएगा टाइप, ये 6 है तो ये 7 लगा लीजिएगा, ये आप मान लीजिए गुणा का नियम है। कौन सा नियम है? गुणा का नियम। और ये टाइप 6, ये भी मिश्रित संख्याएं हैं, अभी देखते हैं प्रमुख आगे। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप 1 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे यानी कि योग का नियम पढ़ेंगे यानी जोड़ का नियम। इसमें देखो आपके सामने दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है, 4, 6, 8, 10, और आगे हमें पूछा है कि अगली संख्या क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें आंसर बताना होगा। तो दोस्तों, आप इसमें देखो, नाम क्या है? योग का नियम है। योग का नियम का मतलब जोड़ना है। जैसे 2 में मैं +2 करता हूं तो ये होता है 4, इस 4 में मैं +2 करता हूं तो ये होता है 6, इस 6 में मैं +2 करता हूं तो होता है 8, और इस 8 में मैं +2 करता हूं तो होता है 10, और इस 10 में मैं +2 करता हूं तो होता है 12। तो हमारी जो अगली संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मित्रों? 12 संख्या आ जाएगी। बताओ, यहां तक सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल, हमारे सभी के समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीका है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10, 2 × 6, 12, 2 का पहाड़ा पूरा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने दिया होगा, जैसे दोस्तों इस तरीके से, जैसे मैं इसी का उदाहरण जैसे प्रमुख आपके सामने दिया होगा, 32, 48, 64, ठीक है, और अगली संख्या हमें पूछ लेगा। तो आप देख सकते हैं 32, 48, 64 ये किसके पहाड़े में आते हैं? 16 × 16, 16 × 16, 32, 16 × 32, 16 × 64, 16 × 5, 80, यानी अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 80 होगी, ठीक है। इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, पहाड़ा भी दे दिया जाएगा डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ये पहला प्रमुख तरीका हुआ। दूसरा प्रमुख देखिएगा, ये है 1, 2, 4, 7, अगली संख्या बताओ आप सभी कमेंट करके, अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी? 1, 2, 4, 7 अगली संख्या में पूछा है। तो दोस्तों आप देखिएगा, करके देखिएगा, अगर इस 1 में मैं +1 करता हूं तो ये हो जाता है 2, ठीक है, राइट, और इस 2 में मैं +2 करता हूं
हो जाता है बिल्कुल चार, ठीक है। इसी चार में मैं तीन प्लस करता हूँ तो ये हो जाता है सात, और इस सात में मैं प्लस चार कर देता हूँ तो कितना होता है बताओ, बारह नहीं ग्यारह, ठीक है ग्यारह। तो अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ग्यारह, ग्यारह आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखो एक दो तीन चार लगातार चल रहा है और हम जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तो योग का नियम, योग का मतलब जोड़ना है, ठीक है। प्रमुख आपके सामने ये नियम लग रहे हैं। अब देखो प्रमुख तीसरा, तीसरा देखिएगा आपके सामने दे रखा है, जैसे 10, 11, 14, 19 और अगली संख्या हमें पूछी कि आगे क्या आएगा। आप बताओ एक बार फटाफट, आप भी बताते रहो, कमेंट में करते रहो आंसर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न तो इसी तरीके से बनेंगे, इस वीडियो को देख लेना आप, अच्छे से समझ लेना दोस्तों, इसी आधार पर प्रश्न बनने वाले हैं। बिल्कुल बताओ 10, 11, 14, 19 और अगली संख्या हमें पूछी है। इस 10 में मैं प्लस एक करता हूँ तो ये होता है 11, बिल्कुल ठीक है। इस 11 में मैं प्लस तीन करता हूँ तो होता है 14, ठीक है। 11 में तीन करेंगे तभी तो 14 होगा, और इस 14 में दोस्तों मैं कितने पाँच ऐड करता हूँ तब ये होता है 19, ठीक है। और इस 19 में मैं दोस्तों सात ऐड कर दूँ, ठीक है। देखो क्यों सात मैंने ऐड क्यों किया, मैं छः भी कर सकता था, ठीक है, मैं छः भी कर सकता था, डायरेक्ट सात क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे दोस्तों एक तीन पाँच सात ये लग रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में अच्छे से आप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने सात ऐड किया। अब इस सात में यानी 19 में सात जोड़ लो दोस्तों, 19 में सात जोड़ो कितने हो जाएंगे, 26। तो अगली जो संख्या हमारे पास होगी वो क्या होगी, 26। क्या होगी मित्रों, 26 अगली संख्या हमारी हो जाएगी। आ रही बात समझ में सभी के, चलो इसी प्रकार से देखो चौथा उदाहरण, 2, 5, 10, 17, 26 और अगली संख्या हमें पूछी आगे क्या होगा बताओ दोस्तों, ठीक है। ये तो आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अब इसमें बताओ, इस दो में मैं प्लस तीन करता हूँ तब ये होता है 5, ठीक है। और इसी 5 में मैं 5 ऐड करता हूँ तब होता है 10, और इस 10 में मैं 7 ऐड करता हूँ तब होता है 17, और इस 17 में दोस्तों 3, 5, 7 इसके अलावा 9 में ऐड करता हूँ 9, तब ये 26 होता है। देखिएगा 9 ऐड करें तब 26 होता है, हाँ बिल्कुल होता है दोस्तों, ठीक है। तो 3, 5, 7, 9 इसके बाद 11 प्लस 11 मैं करूँगा 26 में तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, कौन सी, 37। अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, 37, ये ध्यान रखना है, अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 37, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों पार्ट वन जरूर देखिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से बता रखा है मैंने, ठीक है। हाँ देखो डायरेक्ट हमने 3 से ऐड किया, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो ये इसलिए कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है, तो इसीलिए ये हमारा 37 आ गया। इसके बाद देखो 24, 36, 48, 60 आपके सामने दे रखा है और अगली संख्या हमें पूछा है, तो आप करिएगा दोस्तों 24, 36, 48, 60 देखो फटाफट करो, ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए दोस्तों। 24 में हमने 12 ऐड किया तब यह आए 36, और 36 में हम 12 ऐड करते हैं तब आता है 48, और 48 में 12 ऐड करते हैं तब आता है 60, और 60 में 12 ऐड करो दोस्तों कितने आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे, 72। तो अगली संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 72। आप डायरेक्ट देख सकते हैं 12 × 24 × 36 × 44 × 48 × 50 60 × 72, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 72 आ गए। अब दोस्तों ये प्रमुख जो हमने देखे, ये योग का नियम देखा, इसमें हमने क्या किया, प्रमुख योग किया, अंकों का क्या किया, योग किया। अब जो देखने वाले हैं वो घटाव का नियम देखने वाले हैं दोस्तों, प्रमुख घटाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिया जाएगा। देखो पहला है, यहाँ पर दे रखा है 100, 99, 97, 94, तो ये कौन सा नियम है, घटाव का नियम है। इसमें आप देखो दोस्तों 100 में से आप माइनस करो 1, माइनस 1 करेंगे तब आया 99, और इस 99 में आप माइनस करो 2, 99, 98 तब आया ये 97, और इस 97 में आप माइनस करो 3, ठीक है, तब आया ये 94, और इस 94 में माइनस करो आप 4, तब आएंगे अगली संख्या हमारे पास 90। बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है, बिल्कुल सभी के समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीका है दोस्तों। इसी प्रकार से देखो अगली संख्या, यहाँ पर दे रखा है 27, और यहाँ दे रखा है 26, और यहाँ दे रखा है 24, और यहाँ दे रखा है 21। देखो 27 में से माइनस करेंगे 1 तब आया 26, और इस 26 में माइनस करेंगे हम 2
तब आया हमारे पास 24, ठीक है। और इस 24 में हमने माइनस किया 3 तब आया 21, और इस 21 में माइनस किया 4 तो हमारे पास आया 21, 20, 19, 18, अगली संख्या 17, ठीक है, ठीक है नहीं। अगली संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, अगली जो संख्या है वो हमें 17 प्राप्त हो जाएगी। 17 है तो खतरा है, अगली संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 17, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है 200, 198 दे रखा है, इसके अलावा 194, 188, 180। इसमें आप देखेंगे 200 में से माइनस करेंगे 2 तब ये 198 आया, ठीक है। इस 198 में हम माइनस करेंगे कितने, इस 198 में हम माइनस करेंगे 4 तब हमारे पास आया 194, और इस 194 में हम माइनस करेंगे कितने, इस 194 में माइनस करता हूँ 6 तो कितना आता है, 188 आते हैं, कितने आते हैं 188। इस 188 में माइनस करता हूँ मैं 8 तो अगली संख्या हमारे पास प्राप्त हुई 180, और इस 180 में मैं माइनस करता हूँ 10 तो अगली जो संख्या हमारे पास जो प्राप्त होगी वो होगी 170, कितनी 170, तो यहाँ पर 170 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, तो यहाँ पर सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखो 16, 14, 10, 4, 2, अब जैसे अगली संख्या हमें पूछिए कि आगे क्या आएगा, 16, इस 16 में आप माइनस करो दोस्तों कितने, 2 माइनस करो, 16 में आप 2 माइनस करेंगे तो पीछे कितने आएंगे, 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आएंगे, और इससे देखो 16 में हमने माइनस 2 किया तब आया 14, और इस 14 में हम माइनस करते हैं दोस्तों 4 तो ये आया हमारे पास 10, और इस 10 में माइनस करते हैं 6 तब ये हमारे पास आया 4, और इस 4 में माइनस करते हैं 8 तो 8 माइनस किया तो अब देखो 4 तो ये तो चला गया तो पीछे 0 बचा, और इसमें माइनस से शुरू हो जाएगी गिनती वापस, माइनस हमारे पास 4 आएगा हमारा आंसर, माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा प्रमुख टाइप 2 था दोस्तों, और इसमें जो है वो ये घटाव का नियम था। संख्या भी ये तो देखो मैंने छोटी छोटी लेयर की है, वैसे बड़ी भी संख्या आती है आपके सामने, 353, 435, 468, बड़ी बड़ी संख्या दी होगी, करना तो उसी तरीके से, विधि यही लगानी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो टाइप 3 है आपके सामने, जिसमें देखो जोड़ व घटाव का मिश्रित रूप है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और इधर 5, 9, 8, 14 और अगली संख्या हमें पूछी है। तो देखो दोस्तों इस 5 में आप माइनस करेंगे कितने, 1 करेंगे तभी तो यहाँ पर 4 आया, और इस 4 में आप प्लस 2 करेंगे तब आया यहाँ पर 6, और इस 6 में आप माइनस 1 करेंगे तब आया यहाँ 5, और इस 5 में आप प्लस जो है वो कितने करेंगे, प्लस करना पड़ेगा आपको 3, सॉरी 4 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 4, तभी तो ये 9 आए, और इस 9 में आपको जो है माइनस करना पड़ेगा 1 तब ये 8 आए, और इस 8 में आपको जो है प्लस करना पड़ेगा 6 तब ये 14 आए, ठीक है। अब वापस क्या करना पड़ेगा, 14 में आपको माइनस करना पड़ेगा 1 तो अगली संख्या हमें जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 13, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये जोड़ व घटाव का प्रमुख मिश्रित रूप है। इसी प्रकार से देखो 10, इस 10 में आप जो है प्लस 5 करेंगे तब ये हुआ 15, और इस 15 में, ठीक है, इस 15 के अंदर माइनस आप कितने करेंगे, माइनस करेंगे आप दोस्तों 2 तब यहां पर आया 13, और इस 13 में दोस्तों आप जो है प्लस करेंगे 5 तब यहां पर आया 18, आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल 18 आया। अब इसी 18 में आप माइनस करेंगे 2 तब यहां पर आया 16, और इस 16 में आप प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास अगली संख्या जो प्राप्त होगी वो होगी 21। बताओ समझ में आया, बिल्कुल सभी के आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है। अब देखते प्रमुख अगली संख्या, जैसे 40, इस 40 में मैं प्लस 1 करता हूं तभी तो यहां पर 41 आया, और इस 41 में मैं दोस्तों माइनस 1 करता हूं तब यहां पर आया 40, और इस 40 में दोस्तों मैं प्लस 2 करता हूं तब यह आया 42, और इस 42 में दोस्तों मैं माइनस करता हूं 1 तब यहां पर आया 41, और इस 41 में मैं प्लस जो है 41 में जो है प्लस करता हूं दोस्तों कितने, 3 प्लस करता हूं, 41 में प्लस 3 करता हूं तब यह आए 44, ठीक है, 44 आए। अब वापस 44 में मैं माइनस 1 कर देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 43, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है।
प्लस एक माइनस एक, प्लस दो माइनस एक, प्लस तीन माइनस एक, इस तरीके से चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 43 हो जाएगा। अब दोस्तों प्रमुख ये टाइप हमारा 3 था, अब ये टाइप 4, ये अलग तरीके के क्वेश्चन आ गए। टाइप 4 में क्या करना है, इसमें जैसे वर्ग और वर्ग संख्या मैंने आपको बताया था दोस्तों, वर्ग संख्या आपको याद है तभी ये प्रश्नावली जो है वो अच्छे से कवर हो पाएगी। इसमें जैसे आपको पूछ लिया 1, 9, 25, 49 और अगली संख्या हमें पूछी है कि आगे क्या आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 1, 9 किसका वर्ग, 9 किसका वर्ग है, 3 का स्क्वायर है ना 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर यदि मैं 1 करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ 3 या 9 होता है, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 25, 7 का स्क्वायर करता हूं तो 7 7 49, तो यहां पर देखो 1 के बाद में 2 आना चाहिए, 2 को छोड़ दिया 3 आ गया, 3 के बाद में 4 आना चाहिए, 4 को छोड़ दिया डायरेक्ट 5 आ गया, 5 के बाद में 6 आना चाहिए, 6 को छोड़ दिया डायरेक्ट 7 आ गया, 7 के बाद 8 आना चाहिए, 8 को छोड़ दिया डायरेक्ट हम 9 आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दो दोस्तों 99 81, तो हमारे पास अगली जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 81। बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रमुख जैसे इसी में आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है, आगे दे रखा है 100, 144 और 196, 256। 100 को देखते ही पता चल गया होगा 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 दाए 100 होता है, 12 का तो नहीं है, नहीं 12 का ही है ये, 11 का तो 121 होता है, तो 12 का ये 144, तो 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 13 का देखो, 13 का नहीं है, 14 का है ये, देख सकते हैं 14 का, 13 का तो 169 होगा, 14 का स्क्वायर है 196। 15 का नहीं है, 15 का 225, यहाँ पर 16 का दे रखा है, 16 का स्क्वायर है ये, 16 का स्क्वायर। वापस देखो तो यहाँ पर 11 को छोड़ दिया 12 आ गया, 12 को छोड़ 12 आ गया, 13 को छोड़ दिया 14 आ गया, 15 को छोड़ दिया 16 आ गया, अब 17 को छोड़ के 18 आना चाहिए, तो 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 18 का क्या होता है 324 होता है। बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है, तो अगली संख्या में 324 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 1, 2, 5, 10, 17, 26 और अगली संख्या पूछी, तो देखो करना क्या है इसमें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक का जैसे इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको करना है 1, 2, 5, 10, 17, 26 ये दे रखा है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें देखिएगा जैसे मैं एक को, मैं यदि एक का स्क्वायर करता हूँ तो एक प्राप्त होता है, एक का स्क्वायर एक, और इस स्क्वायर में मैं प्लस एक कर देता हूँ तो अगली संख्या हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगी, एक का स्क्वायर किया तो एक प्राप्त हुआ, इसमें प्लस एक किया तब 2 हुआ, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, ठीक है, और इसमें मैं प्लस एक करूंगा तभी तो ये 5 प्राप्त होगा, समझ रहे मेरी बात। अब देखो यदि मैं यहाँ पर जो है 3 का स्कोर करता हूँ, 3 या 9 होता है, प्लस इसमें एक करता हूँ तभी तो ये 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का मैं स्कोर करूंगा तो 4 चौके होता है 16, और 16 में मैं प्लस एक करूंगा तभी तो ये 17 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25 और 25 में प्लस एक करूंगा तब ये 26 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर और इसमें प्लस एक कर देंगे, 6 6 36 प्लस एक यानी कि 37 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगली जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो होगी 37। आ रही बस समझ में? चलो देखो 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, 12 दे रखा है, 19 दे रखा है और अगली संख्या पूछा है। देखो इसमें क्या करना होगा, इसमें देखो तरीका तो वही है जैसे यहाँ पर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर 7 ही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो आप बताओ, देखो 4 7 12 19 और अगली संख्या क्या होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाओ दिमाग दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर 1 का स्कोर करता हूँ, 1 का स्कोर होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्कोर 1 होता है, प्लस इसमें मैं 3 कर देता हूँ तो ये 4 बैठ जाएगा दोस्तों, 1 का स्कोर 1 प्लस 3 तब ये 4 हो गया। उसी प्रकार मैं 2 का स्कोर करता हूँ, 2 दूनी 4 और प्लस इसमें कितने कर देता हूँ 3 कर देता हूँ तो 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो 3 का स्कोर 3 3 9 होता है और इसमें कितने ऐड करें 3 ऐड करें, 3 3 9 9 10 11 12 तब ये हो गया 12। उसी प्रकार से 4 का स्कोर करके देखो 4 का स्कोर 4 चौके 16 और 16 में कितने ऐड करें तो यहाँ 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 3 ऐड करेंगे 16 में, ठीक है, तो 19 प्राप्त हो गया। तो
तो देखो एक का स्कोर किया, दो का स्कोर किया, तीन का स्कोर किया, चार का स्कोर किया और सब में प्लस तीन किया। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पांच का स्कोर कर देंगे प्लस इसमें तीन ऐड कर देंगे, पचम 25 और 25 में तीन जोड़े तो 26, 27, 28, यानी हमारी जो यहां पर अगली संख्या होगी वो हो जाएगी दोस्तों 28। अगली संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 28 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको योग का नियम, ठीक है, इसके अलावा घटाव का नियम और जोड़ वे घटाव का प्रमुख, योग वे घटाव का मिश्रित नियम और ये अपने वर्ग का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ प्रमुख घन का नियम, जो घन की संख्या, जैसे 1 का क्यूब क्या होगा 1, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64। आपको मैंने बोला था याद करने के लिए पार्ट 1 में। तो देखो यहाँ पर 1, 8, 27, 64 और अगली संख्या पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाना चाहिए दोस्तों। देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक का आप क्यूब करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, दो का क्यूब करेंगे तो तीन प्राप्त होगा, उसी प्रकार से तीन का क्यूब करेंगे तो हमें जो है तीन का क्यूब करेंगे तो आप 27 प्राप्त होगा, चार का क्यूब करेंगे तो 64। तो 1, 2, 3, 4 इसके अलावा आप 5 का क्यूब कर देंगे तो अगली संख्या हमारे प्राप्त हो जाएगी। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 125। बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है सभी के, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो 64 दे रखा है, 216 दे रखा है, 512 दे रखा है, इसको आप करो फटाफट, इसको आंसर करो, मुझे बताओ जल्दी से। 64, 216 और 512 दे रखा है। पहले तो देखो 64 किसका क्यूब है, ऊपर किया था 4 का क्यूब है 64, इसके अलावा दे रखा है 216 किसका क्यूब है, 216। फटाफट इसका आंसर करो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करिएगा आप। इसका आंसर क्या किया है, बिल्कुल आसान सा है, 64, 216, 512 और पूछा है अगली संख्या। आपने किया होगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 5 का तो क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब है 216, वापस 7 का नहीं, 8 का क्यूब है 512, ठीक है। तो वापस 9 का नहीं, 10 का क्यूब होना चाहिए, 10 का क्यूब आपने किया होगा, क्या होगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होगा 1000, क्या होगा 1000। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 हो जाएगा हमारा आंसर, क्यों, क्योंकि 4 के बाद में 5 नहीं आया, ठीक है, 6 आया और 7 नहीं आया, 6 के बाद में 7 नहीं आया, 8 के बाद 9 आने आया, वापस 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 1000। अब देखो उसी प्रकार से, ये तो था घन पर आधारित, जो डायरेक्ट इस तरीके से पूछ, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जैसे प्रमुख गुणा का नियम लग गया आगे, गुणा का नियम, इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है 2, 5, 11, 23 और अगली संख्या पूछा है, इसको आप करो फटाफट दोस्तों, 2, 5, 11, 23 इसमें आप क्या करेंगे, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 को इंटू करता हूँ 5 से, 2 × 4, 2 × 4 और 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, 2 को मैंने इंटू 2 से किया, 2 × 4 और प्लस इसमें 1 किया तब ये 5 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से इस 5 को मैं इंटू करूंगा दोस्तों 5 × 10 और 10 में मैं प्लस 1 जोड़ूंगा तब ये 11 होगा। गुणा किससे कर रहा हूँ, 2 से, ठीक है, तभी ये प्राप्त हो रहा है मैं 11। अब इस 11 को मैं दोस्तों किससे इंटू करूंगा, 2 से इंटू करूंगा, 2 से 11 × 22 और इस 22 में मैं प्लस 1 करूंगा तभी तो ये 23 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इस 23 को मैं किससे इंटू करूंगा, 2 से इंटू करूंगा, 23 × 2 कितना होता है 46 होता है और इस 46 में दोस्तों मैं प्लस 1 करूंगा तब हमारे पास अगली संख्या प्राप्त होगी वो होगी 47। बताओ दोस्तों समझ में आया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 2 को जैसे सबसे पहले 2 को इंटू 2 से किया तो 4 प्राप्त हुआ और 4 में हमने 1 जोड़ा था 5 हुआ। क्यों किया, 2 से इंटू किया, कि हमें 3 से भी कर सकते थे, हमें कुल मिलाकर अगली वाली जो संख्या है वो लानी होती है, इसलिए हमने 2 से इंटू किया, 2 × 4, 4 में प्लस 1 किया तब ये 5 प्राप्त हुआ, 5 × 10, 10 में प्लस 1 किया तब 11 प्राप्त हुआ, 11 को हमने 2 से इंटू किया, 11 × 22, 22 में 1 जोड़ा तब ये प्राप्त हुआ 23। इस तरीके से आगे बात समझ में। अब देखो दोस्तों 2 है, 12 है, 62 है, 312 है और अगली संख्या पूछा है। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 का यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं इंटू करता हूँ 2 को इंटू करें 6 से, 2 × 6 = 12, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, 12 को इंटू करो अगली बार 60, लेकिन या तो 62 है, इसका मतलब दोस्तों डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे दोस्तों 2 × 6 = 12 हो रहा है लेकिन हम करेंगे नहीं, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 हो रहा है, हम 2 × 5 ही करते हैं, 2 × 5 क्या होता है, 2 × 10 होता है, 2 × 10 होता है, 10 + 2 = 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 12 × 60 होता है, 12 × 60 और 12 × 60, 60 + 2 क्या हो जाएगा 62 प्राप्त हो जाएगा। 62 × 5 कितना होता है, 62 × 5 देखो होता है दोस्तों 310, 62 × 5 कितना होता है
310 होता है। आप गुणा करके देख लो, 62 से 5 से इंटू कर लो, 5 × 2 = 10, हाँ ये हमारे पास 310 प्राप्त होगा। और 310 में आप प्लस 2 कर दो तो 312 प्राप्त हो जाएगा। अब 312 को इंटू करो आप 5 से, 312 को इंटू किससे करना है, 5 से करना है। करके देखो दोस्तों, 5 × 2 = हमारे पास 10 प्राप्त हुआ, 5 × 5 = 5, 6 प्राप्त हुआ, 5 × 3 = 15, 1560 प्राप्त हुआ। और इसमें क्या करना है, प्लस 2 करना है। तो हमारे पास अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 1562। कितनी आएगी, 1562। दोस्तों इस तरीके से प्रमुख आपको क्वेश्चन को हल करना है, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमारा टाइप नंबर 6 है, ये प्रमुख हमने देखे, गुणा का नियम देखा, घन का नियम, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण बहुत सारे हैं। वैसे एक बार में क्या है कि आपका सिलेबस फटाफट खींच रहा हूं, फिर दोस्तों बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाएंगे और उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों फटाफट सिलेबस भी खींच रहे हैं, आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे। अब यहां पर टाइप नंबर 6 है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, जैसे 1 1 1 2 4 16 3 9 इस तरीके से दे रखा होगा, तो करना क्या है देखो, यानी ट्रिपल बार, 3 बार 1 1 दे रखा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप करेंगे इस 1 का क्या करेंगे, 1 की घात 1 करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर लगाएंगे, फिर 1 का क्यूब लगाएंगे, ठीक है। 1 का 1 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, इस 2 का 2 पर क्या करेंगे, 1 घात लगाएंगे, ठीक है, फिर 2 का करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, आपको पता है। वापस देखो, मैं यहाँ पर 2 का क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ, तो 2 का क्यूब प्राप्त, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 4 = 8 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 का 4 लगाएंगे, 2 पर जो है 2 की घात 4 लगाएंगे, 2 × 2 चार बार गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 16, तो यहाँ पर भी क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है, 1 का 4 करेंगे, 1 × 1 = 4। अब देखो इसी प्रकार से इस 3 है, तो 3 में हम 3 पर 1 घात लगाएंगे, 3 × 1 = 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9 प्राप्त होगा। अब 3 पर हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 पर 4 लगाया और यहाँ पर भी 1 पर 4 लगाया, यानी 1 की घात 4, 3 की घात 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 की घात 4 लगाई, तो 3 की घात 4 लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 × 3, 3 × 9 = 9, 27, और 27 को आप 4 से इंटू कर देंगे, 27 को आप किससे इंटू करेंगे, सॉरी 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो करके देखो दोस्तों, ये प्राप्त होगा 3 × 7 = 21, और 3 × 2 = 6, 7, 8, 81 प्राप्त होगा, कितने प्राप्त होंगे, 81, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये प्रमुख जो है हमारे श्रृंखला परीक्षण थी, और इसके अंतर्गत हमने अंग श्रृंखला के बारे में अच्छे से देखा, कल हम वर्णमाला परीक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, वर्णमाला श्रृंखला। तो ये प्रमुख आपके सामने, योग का नियम, घटाव का नियम, योग और घटाव का मिश्रित रूप, और इसके बाद वर्ग का नियम, घन का नियम, गुणा का नियम अच्छे से कवर किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं वापस आपको जो है मिलता हूँ दोस्तों 8:30 PM, आप सभी तैयार रहना, जीके की क्लास होगी, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, ओके।